हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप आईडी बनाने के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और इसमें सर्च बार में आपको सर्च करना है लिखकर व्हाट्सएप, तो आपको व्हाट्सएप ऐप आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहां पर व्हाट्सएप पे क्लिक इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये यहां पे डाउनलोड होने लगा है। दोस्तों जैसे ये हमारा अब इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, हमें यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह से स्कैनिंग हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में हमें ओपन का ऑप्शन मिल चुका है, तो हम इस पर टैप कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम टैप करते हैं, ये हम इसमें एंटर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे नीचे की तरफ ग्रीन पट्टी में इस पर हमें टैप कर लेना होता है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल लेना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देना होता है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि योर एंटर द फ़ोन नंबर इट इज दिस ओके और वुड यू लाइक टू एडिट द नंबर। दोस्तों अगर आपको ये नंबर सही लग रहा है तो आप इसे ओके कर दें। अगर आपको इस नंबर में कुछ गड़बड़ है, तो दोस्तों आप एडिट पे आकर दोस्तों आप यहां से सुधार कर सकते हैं, जैसे कि हम यहां पर आपको दिखा दिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहां से ओके करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों जैसे आप यहां पर ओके करते हैं, अगर आपका ये नंबर फ़ोन में रहेगा तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो आपको खुद से यहाँ पर अपना OTP देखकर डालना होता है। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर अलाउ करने का कुछ ऑप्शन आता है। तो आप जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अलाउ व्हाट्सएप टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स। तो दोस्तों ये हमें हमारे जितने भी नंबर को कॉन्टैक्ट्स है उसको हम यहाँ से अलाउ कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलाउ फोटो व्हाट्सएप टू एक्सेस फोटो एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना सब अलाउ कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर लुकिंग फॉर बैकअप्स के लिए पूछता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से था, तो ये ऑटोमेटिक हट चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक कैमरा के ऊपर प्लस करके चिन्ह दिखेगा। दोस्तों हम इस पर टैप करके अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से एक प्रोफाइल पिक्चर चूज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हम जैसे कि ये फ़ोटो हम यहाँ से चूज कर लिए। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली डन का ऑप्शन कॉर्नर में मिल जाता है, तो हम इस पर टैप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर टाइप योर नेम हियर, तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग मतलब ये हमारा प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप सक्सेसफुली बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर कॉर्नर में दिखेंगे कि आपको यहाँ पर स्टार्ट ए चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ये एरो हमें इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर चैट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जितना भी कॉन्टेक्ट है जिस पे आपका वो मतलब जिसका व्हाट्सअप है, जिस कॉन्टेक्ट से, वो पूरा नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं किसी एक को मैसेज करके। तो दोस्तों आप यहां से चाहें तो उसका नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं और उसका नंबर भी लिखकर यहां से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम यहां पर ये नंबर को चूज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहां से कुछ भी लिखकर सेंड कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा चैट यहाँ पर पूरा शो कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा चैट शो कर रहा है। तो दोस्तों हम इसके बाद जितना भी मैसेज करेंगे, जितना भी चैट करेंगे किसी और को, तो हमारा पूरा ऐसे ही लाइन बाय लाइन शो करेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो दोस्तों आपको मैं इसके बाद बताने वाला हूँ
कि कैसे आप कोई भी व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर माय स्टेटस शो कर रहे हैं, इस पर हमें टैप करना होता है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होता है और यहाँ से कुछ अलाउड करना होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से इसे परमिशन में जाकर यहाँ से हम इसे कॉन्टेक्ट अलाउ कर सकते हैं। जिसके बाद हम यहाँ से कॉल लॉग को भी अलाउ कर लेंगे दोस्तों, और इसके बाद हम यहाँ से कैमरा को भी अलाउ कर लेंगे। दोस्तों हमें यहाँ से पूरा अलाउ करना होता है, सबको परमिशन देना होता है, नहीं तो हमारा कुछ कुछ प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से सबको अलाउ कर लेंगे और इसके बाद हम इसे मैसेज को SMS को भी कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जैसे यहाँ पर अपना स्टेटस पे क्लिक करेंगे, दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर स्टेटस पे अपना क्लिक किए, दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद हम जो स्टेटस लगाना चाहते हैं दोस्तों, हम उसे यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपना कोई एक पिक्चर चूज कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहां से स्टेटस चूज कर लिए हैं। अगर हम यहां पर कुछ नीचे दिखाना चाहते हैं, कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो यहां पर हम वो टाइप करके लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम यहां पर टाइप कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहां से हम इसे यहां पर सेंड के ऑप्शन पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। जैसे हम यहां पर सेंड करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेटस यहां पर अपलोड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हैं कि हमारा सेंडिंग अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, सेंडिंग यहाँ पर अब हमारा जस्ट नाउ आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसे कुछ करके आप स्टेटस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही चाहें तो कोई वीडियो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आप किसी को भी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहां पर आपको कॉल्स का ऑप्शन मिलेगा, और इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर कॉर्नर में एक फ़ोन करके आपको ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप जिसे भी यहां से कॉल करना चाहते हैं, आप उसका नाम या नंबर से सर्च कर लेंगे, या आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इसे ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो यहाँ से वीडियो का भी कॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। इसे देखते कि हम इसे कैंसिल कर दिए, और इसके बाद दोस्तों हम इसे टैप करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर वीडियो कॉल का ऑप्शन मिला है। तो जैसे कि हम यहाँ से ये, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट वीडियो कॉल। तो यहाँ से हम जैसे कॉल पर टैप करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कॉल जाने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।